हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे अपने 4 दिवसीय दौरे पर काजा पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों की जन शिकायतें सुनी तो वहीं करोड़ों रुपए के शिलान्यास भी किए। सुमदो में 96.27 लाख रुपए की लागत से जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजना डोगरा स्काउट एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस का शिलान्यास किया गया। इस योजना के माध्यम से 2,364 लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ताबो में 1,39,00,000 रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से 812 लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके लिए 1,00,000 लीटर से अधिक क्षमता का टैंक का निर्माण किया गया। इसका निरीक्षण भी कैबिनेट मंत्री ने किया है। वहीं निंदांग गांव में 83,00,000 की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया। इस योजना का कार्य आगामी 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। लिंदांग गांव में 73 करोड़ की लागत से बनने वाली जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसमें 112 लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1,26,00,000 रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना का भी शिलान्यास किया गया। काजा में बाढ़ नियंत्रण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि 2017 में ट्राइबल का बजट मात्र 29 करोड़ रुपए था और आज बजट को 71 करोड़ रुपए पहुंचा दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति के दौरे पर आने वाले हैं। उस दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। काफी समय से स्पीति में जो नकदी फसलें होती हैं, पानी के अभाव के कारण कई बार डिमांड उठता रहा है। हालांकि मुझे प्रतिनिधित्व करने का 3 बार मौका मिला है। हमने पहली बार स्पीति के अंदर लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम शुरू किया है। लाहौर के अंदर स्पीति के लगभग जो है 9 स्कीम्स पिछले साल हमने शुरू किया, इस साल खत्म होने वाला है, इस साल पूरा हम पूर्ण करेंगे। पिछले कल ही मैंने आपका सुमदो के अंदर सिंचाई का जो पीने का पानी का एक शिलान्यास किया है, वो इसी साल जो है सितंबर माह में कंप्लीट होगा, जिसमें डोगरा स्काउट ITBP और सुमदो में हमारे जो वहां के बाशिंदे रहते हैं उन्हें भरपूर पीने का पानी मिलेगा, और ताकि जो है इन्हें जो हमारा डोगरा स्काउट है, 15 पंजाब है, ITBP, उनको पीने के पानी की सुविधा थी। साथ ही साथ ताबो में इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा गांव हमारा ताबो है, वहां पर पानी पीने के पानी की बड़ी बड़ी किल्लत थी। वहां पर मैंने कल ही उद्घाटन किया, जो है लगभग 90,00,000 रुपए का जो है किस स्कीम से जो है पानी जो है कल उसका उद्घाटन किया है, जो लोगों को वहां लगातार पानी मिलता रहेगा, अन्यथा वहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। उसके साथ साथ लिदांग गांव में पीने के पानी नहीं और सिंचाई का पानी नहीं था। कल दोनों स्कीमों का मैंने सिंचाई का शिलान्यास किया है और इसी साल हमने अक्टूबर माह में ये दोनों स्कीम कंप्लीट हो जाएंगे। आज काजा में हमने फ्लड प्रोटेक्शन जो है उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। काजा हमारा जो है बहुत बड़ा गांव है, जो हमारा मुख्यालय हमारा कैपिटल है, यहाँ भी बहुत यहाँ पर जो फ्लड गांव जो दोनों गांव काजा दोनों साइड सुमा और काजा जो है यहाँ पर जो है हर साल फ्लड निकलता है और जो काजा के गांव जो सेफ नहीं थे उसके लिए फ्लड प्रोटेक्शन का मैंने पिछले साल जो शिलान्यास किया था, नवार्ड में जो है लगभग 1,20,00,000 स्वीकृत किया था, वो इस साल कम्प्लीट होने वाला है, उसका उद्घाटन कर दिया है। और आज जो है स्पीति के अंदर जो है जहाँ पर लोग बहुत मेहनती है, यहाँ पर जो है पीने बहुत से स्कीम्स हमने, चाहे सुमलिंग है, चाहे क्यूलिंग थंग है, चाहे निकेट मैदान है, ये सारे स्कीम्स को जो है मैं टूरिज्म की दृष्टि से भी स्पीति हमारा काफी आगे पहुंचा है। यहाँ पर लोगों ने नकदी फसलों को आगे काफी ज्यादा जोर दिया है कि हमारी नकदी फसलें हमारा मटर है। अब यहाँ पर लोगों ने ऑफ सीजन वेजिटेबल गोभी है, आपका ब्रोकली है, इन चीजों को पैदावार करना शुरू कर दिया है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सिंचाई के स्कीम्स को बहुत ज्यादा मैंने तरजीह की महत्व दिया है। शिला नाला का कुल है जो तैयार होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री मोदी बहुत जल्दी स्पीति पधारेंगे, बहुत से स्कीम उनके माध्यम से उद्घाटन करना चाहता हूँ मैं, ताकि जो है ये स्पीति में लोगों को इसका बहुत लाभ मिले। स्पीति में निरंतर 2017 नवंबर महीने में मैं विधायक बना हूँ, जहाँ पर स्पीति का बजट मात्र 29 करोड़ था, वो बढ़कर जो है 71 करोड़ के करीब पहुंच गया है। यहाँ मुझे कोई बजट की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री मोदी ने यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के निरंतर नेता बोलते रहे कि बजट की कब, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर 43 करोड़ बजट जो है 2011-12-13 के लिए बजट प्रस्तावित था, बजट डाला गया था, वो बजट घट के जो है 29 करोड़ पहुंच गए थे। आज वो बजट जो है 71 करोड़ स्पीति का बजट पहुंच गया है। ऐसे में कहाँ की राजनीति करते हैं। और यहाँ पर कोविड में कल कोरोना का मैंने खुद जाके गाँव में आपका अपना टेस्ट कराया, मैंने सुन दो हुडलिंग पहुंच के, मैंने वहाँ हुडलिंग में जो हमारे लोग जो है वहाँ पर जो हमारा
आप आइसोलेट थे कोरोना, उसके लिए जो उनके मैंने किट बांटे और मैंने हजारों का निरीक्षण भी किया कि कितने लोग यहाँ पर हैं। और स्पीति में जो है केसेस निरंतर इंप्रूव होते जा रहा है लाहौल स्पीति के अंदर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी ने पूरा कोशिश किया है कि हेल्थ को जो है तरजीह दिया जाए। हमने यहाँ पर हर पीएससी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, आपका कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पड़े हुए हैं, कोई किसी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। निरंतर जो है आपका कोविड केसेस भी कम होते जा रहे हैं और मुझे लगता है ये केसेस जो है 15-20 दिनों में स्पीति लाहौल स्पीति के अंदर केसेस खत्म हो जाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।